हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा प्योन एनी चपरासी का, वो 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, 7वां। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिया है, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो स्टैंड बीपीएससी के चैनल पर जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिलेगा, ठीक है, प्योन क्लर्क स्टेनो कंप्यूटर, ऐसे होगा। इसमें आप जाएंगे और आपको बारी बारी से प्योन का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाए, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, आप वहां पर जाकर ज्वाइन करेंगे, उसमें सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। एक दिन पहले पीडीएफ मैं दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसे पढ़ लें, और पढ़ने के बाद मैं शाम को, एक दिन बाद फिर शाम को सारा आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो प्रैक्टिस करने से आपके जितनी त्रुटियाँ होती है वो कम होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो प्रैक्टिस करते होंगे और जो मैं करवा रहा हूँ उसमें बहुत सारी त्रुटियों में आपकी कमी आई होगी। क्योंकि देखिए, जो लेवल है 85 क्वेश्चन आपको पियोन में मिलेगा, ठीक है, 85 क्वेश्चन, वो सेम मॉडल एज इट इज जैसा रहेगा वैसा ही मॉडल यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा प्रयत्न कीजिएगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है फ्रेंड। देखिए, चलिए सेशन शुरू करते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। देखिए, ये दिया है CHAOS, इसे पढ़ेंगे केओस, ठीक है, केओस, क्योंकि अगर भवेल के पहले कंसोनेंट होता है तो उसे CH को क पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा केओस। केओस में क्या होता है, गड़बड़ी करना, ठीक है, क्या होता है, गड़बड़ी करना या व्यवस्था जो खराब होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसका साइनोनिम्स होगा डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसएरी हो जाएगा, ठीक है, मैम होगा बेडलम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसमें राइट आंसर देखें तो डिसहारमोनी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, डिसहारमोनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसहारमोनी यानी लय भंग करना, ठीक है, लय भंग करना, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिलायबल, ठीक है, रिलायबल, देखिए रिलायबल मीन्स होता है भरोसा योग या भरोसामंद, या आप किसी पर भरोसा करते हैं, ठीक है। इसका साइनोनिम्स क्या होगा, इसका साइनोनिम्स बात करें तो इसका स्टेबल भी होता है, ठीक है, ऑथेंटिक भी होता है, ऑथेंटिक मीन्स वास्तविक होता है, एक डिपेंडेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाए, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हैम्पर है, ठीक है, हैम्पर, हैम्पर मीन्स क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है। इसके साइनोनिम्स इस प्रकार अगर हम बोल सकते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स क्या होता है, रोकना, इम्पेड भी बोल सकते हैं, इम्पेड मीन्स क्या होता है, बाधा डालना, ठीक है, अबस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, अबस्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ठीक है, ये तीन हो जाएंगे। तीनों देखिए अगर इसमें से होगा तो आप देख सकते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ब्लॉक भी दिया है राइट आंसर, बाकी और नहीं दिया था जो मैंने बताया था, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बाधा डालना, हैम्पर मीन्स क्या होता है, बाधा डालना, या तो इसका साइनोनिम्स ब्लॉक यानी रोकना हो जाएगा, ठीक है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, ठीक है, दिया है एंथोसिस्म, ठीक है, एंथोसिस में दिया है, ये मैंने 6ठे प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, इसलिए आप इस पर विशेष फोकस करेंगे। देखिए, दो बार दे दिया है, दो बार प्रीवियस ईयर में भी दिया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब होता है भरोसा करना, क्या होता है, आप किसी भरोसा करना नहीं, सॉरी, ये होता है उत्साह, ठीक है, हैप्पीनेस जिसको बोला जाता है, उससे सेंस से रिलेटेड होता है ये, ठीक है, उत्साह, खुशी, ठीक है। तो इसका जो अगर हम साइनोनिम्स की बात करें तो इसका लेथर्जी, ठीक है, लेथर्जी मीन्स आलस व्यक्ति को बोला जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, देखिए इस वल्नरेबल मीन्स क्या होता है, असुरक्षित या कमजोर को बोलते हैं, ठीक है। इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, सॉरी, डी हो जाएगा, डी, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, मैंने 24 नंबर देख लिया था, सॉरी, डी हो जाएगा राइट आंसर, सिक्योर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिक्योर, डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलर्ट दिया है, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट मीन्स क्या होता है, अलर्ट मीन्स आपका होता है सतर्क रहना, ठीक है, सतर्क रहना। तो इसके एंटोनिम्स की बात कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केयरलेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, केयरलेस। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, ठीक है। देखिए इसमें दिया है कि फेवरेटिज में ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव, कहने का मतलब है कि जो इसमें रिलेटिव है
ठीक है, रिलेटिव नेपोटिज्म में बोला जाता है जिसे, भाई भतीजावाद, ठीक है, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, ठीक है, ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, सिक्का इकट्ठा करने वाले को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिक्का इकट्ठा करने वाले को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा न्यू मिशन एटिस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी होगा, ठीक है, न्यूमिस्म एटिस्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए सप्लीमेंट टू एविल, ठीक है, ए सप्लीमेंट टू एविल, ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है कि ए सप्लीमेंट टू एविल, ठीक है, कहने का मतलब है कि वसीयत का दूसरा रूप या कोड पत्र जिसे बोला जाता है, ठीक है, कोडिकल जिसे बोला जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कोडिकल, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवेन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, ठीक है। देखिए, इफ दे वेयर नोइंग अबाउट देयर क्रैप्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर, देखिए ये जो सेट है दोस्त, ये मॉडल सेट पियोन चपरासी का है, ठीक है, इंग्लिश तो उसमें भी आएगा, क्लर्क में भी आएगा, स्टेनो में भी आएगा, कंप्यूटर में भी आएगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, तो इसमें जो इंग्लिश हिंदी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी तो इसका रामबाण है 35 और मैथ 35, ठीक है, तो हिंदी और मैथ पर विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्या दिया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इफ दे वेयर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर, ठीक है। इसमें कहने का मतलब वाक के दूसरे क्लोज में हम देखें वुड हैव है, तो इसके विपरीत क्लोज इसका परिणाम क्या से होगा, इफ से होना चाहिए, ठीक है, हैड प्लस भीतरी का प्रयोग होगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैड नो, ठीक है, हैड नो नॉन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साइंटिफिक नॉलेज इज नो लॉन्गर ए क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी, देखिए ए क्लोज्ड बुक का अर्थ होता है इमेजिनरी यानी रहस्यमय चीज, ठीक है। एग्जाम्पल में बोले इवन टू हिज क्लोज फ्रेंड ही वाज ऑलवेज समथिंग ऑफ ए क्लोज्ड बुक, ठीक है, आपके बहुत क्लोज है वो, ठीक है, आपका जो दोस्त है, तो इसका राइट आंसर इसके मुताबिक ये एग्जाम्पल था, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इमेजिनरी रहस्यमय चीज को बोला जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इंडियन इंग्लिश हैज कम ऑफ एज एंड हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए लेजिटिमेट कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल्ड का भाग शब्द बिल्कुल जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है, ये जो बोल्ड किया हुआ है लेजिटिमेट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका मतलब होता है वैध होना, ठीक है, वैध होना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सही है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवेन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट वन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको कि हमें ऐसे शब्द माई सिस्टर बॉट द डैश वॉच, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरी बहन क्या देख रही, क्या देखा, ठीक है, इसमें तो देखिए जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, देखिए ऑप्शन के मुताबिक अगर बात करें तो कोई अनोखी घड़ी या कोई प्राचीन चीज़ या कुछ भी देख सकती है, ठीक है, तो अनोखी घड़ी या प्राचीन चीज़ तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटिक वॉच, राइट आंसर बी हो जाएगा, एंटिक दिया है बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी डैश वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, देखिए इसमें इन्विटेशन से संबंधित कहने का मतलब है, इसमें क्या होगा, सी डैश वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, उसके पास नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा भाई, तो क्या उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए, सी टोल्ड वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, ठीक है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए टोल्ड, सी टोल्ड वाई हैड नॉट सेंट हर एन इन्विटेशन, ठीक है। हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर डैश टू वेरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर, देखिए जो दो जगह है दार्जिलिंग और नैनीताल,
ये पृथ्वी का स्वर्ग इंडिया के लिए बोला जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है घूमने वाली, ठीक है। कभी आपको मौका मिले तो आप वहाँ जाएँ। उसी से रिलेटेड दिया हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग, ठीक है भाई। तो वहाँ पर क्या ऑफर होगा टूरिज्म के लिए कि वो लोग जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 35 का क्या होगा, ऑप्शन में देखिए कौन सा सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए रिक्त स्थान के जगह अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर सुलेक्स हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुलेक्स, तसल्ली देने वाला, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल डैट हेल्प विल बी गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो क्या कर रहे हैं, टूर्नामेंट का कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए किसी दूसरे को अस्वस्थ किया या अथवा दूसरे को आश्वासन देने के लिए हमें जो प्रयोग करते हैं वो एश्योर्ड का प्रयोग करते हैं, एश्योर्ड, ठीक है। ASSURED राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। द टीचर्स आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर डैश, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, शिक्षक ने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने को कहा ताकि पढ़ा जा सके, ठीक है, पढ़ा जा सके। इसके लिए लेजिबली लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, लेजिबली, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी में ही है ना, लेजिबली। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसपेल्ड, फाइंड द मिसपेल्ड वर्ड एज द आंसर, ठीक है। देखिए सही स्पेलिंग वाला अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सी गलत है इसमें, यहाँ पर डी नहीं होगा। अभी मैंने देखिए ऊपर का 37 वाला आंसर आप समझ जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। 39 देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसमें जो होगा आपका राइट आंसर वो हॉस्टल होगा, ठीक है। हॉस्टल का स्पेलिंग आप देख लेंगे, ठीक है, सॉरी हॉस्टल नहीं, ये तो ठीक है, हॉस्टल का हॉस्पिटलिटी ये हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटलिटी का आंसर स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वाई लगाइए वाई के जगह, ठीक है, तब होगा सही, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 40 का देखिए, 40 का देखेंगे आप तो 40 का आपका क्या होगा, इसमें कौन गलत है, सी विस्टल, ठीक है, विसल पढ़ते हैं इसे, टी साइलेंट होता है, ठीक है, तो ये जो सी है ये गलत है, ठीक है। 40 नंबर का ये इसका राइट स्पेलिंग बात करें सही होगा, डब्ल्यू होगा HSITLE तब सही होगा, ठीक है, ये होगा ऐसा सही, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए मैथ है जो, ठीक है ना। अब देखिए मैथ आ गया, मैथ आपको पता है कि पियोन में 35 आएंगे, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है मैथ और हिंदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। मैथ हो जाएगा 35 मैथ, मैं अभी इसमें डालू करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको 35 हिंदी मिलेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, एकदम मॉडल के जैसा है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड होता है, सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रहता है, इस चीज़ को विशेष रूप से देखेंगे चाहे कोई भी प्रकाशन हो, ठीक है। तो देखिए चलिए मैथ हम शुरू करते हैं, मैथ में देख लीजिए। और एक और बात, आप प्रैक्टिस करते रहिए और जहां आपको लगता है कि आपका पोर्शन जो कमज़ोर है, ठीक है, उसको आप सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुधार करेंगे। सेट बनाने के लिए हम लोग करते हैं इसलिए ताकि जो हमारी कमियाँ हैं उसे हम पूरा करें, ठीक है, कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है, ठीक है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड मैथ है, ठीक है, तो मैथ में देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मौसम 6 है और उनका लौसम 84 है, यदि दोनों संख्याओं में से 42 है तो दूसरी संख्या डैश होगी। देखिए हम फॉर्मूला बता देते हैं इसकी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने मौसम, ठीक है, मौतम समापवर्तन, ये होता है फॉर्मूला। इसमें से कौन सा पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो आप डी निकालिए, डी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा LCM गुने MCM बटा पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या पुट कर दीजिए वैल्यू, कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी संख्या आपको निकालना है, पहली दिया है सबका मालूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, मौसम कितना दिया है 6, LCM कितना दिया है 84, और आपका पहली संख्या भी कितना दिया है 42, 6 7
42 हो जाएगा, 7 × 7 = 14, ठीक है 42 आ गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, समझ गए क्यों आया। एक खंभे के शीर्ष पर उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उनियन कोण 45 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे पहले इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो हम फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं फिगर, ठीक है ए हो गया, ठीक है ये बी हो जाएगा और आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उनियन कोण कितना दिया है 45, तो ये हो जाएगा आपका 45 पे, 9th क्लास का सवाल है, ठीक है। ये एच हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो ऊंचाई ये हो गया, तो ऊंचाई में हम टैन लेकर चलते हैं, टैन थीटा आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है। तो हम टैन थीटा लेकर चलेंगे, टैन उनियन कोण थीटा का मान 45 मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। टैन थीटा होता है पी बाई बी, एच बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो ये हो गया एच आपका और ये हो गया बी सी आधार, अब मान लीजिएगा वहाँ आधार पर कुछ भी, ठीक है। तो एच है आपका दिया है जो नीचे का था, दूरी कितना था 20 मीटर है क्वेश्चन पर ये, ठीक है। अब इसको टैन 45 का मान आपको पता है, एक होता है एच 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एच का मान 20 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 20 मीटर। दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के परिणाम क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है, यदि एक्स वाई 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। इसमें आप क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे, हम हिंट देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ, मैं हिंट दूंगा पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि पूरा बता दूंगा तो फिर लेथर्जी आ जाता है इंसान में, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से देखिए, दो त्रिभुज आप बनाएंगे, एक मान लीजिए पहला त्रिभुज पी क्यू आर और एक त्रिभुज बनाएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। एक का एक्स वाई दिया है, एक्स वाई यानी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक का दिया है 48 सेंटीमीटर, ठीक है, आप देख लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं दोनों का परिमाप निकालने के लिए, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर बटा त्रिभुज एक्स वाई जेड, दो त्रिभुज है, परिमाप दोनों का निकालेंगे, तो दोनों का परिमाप निकालिएगा तो फिगर देख लीजिएगा पी क्यू बटा एक्स वाई, ठीक है। आपको पता है पी क्यू का मान दिया है 48 और एक्स वाई का 24 दिया है, वैल्यू पुट कीजिए पी क्यू की जगह 48 और 24, ये त्रिभुज ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर और ये त्रिभुज किसका मान है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब पी क्यू आपको निकालना है, ठीक है, पी क्यू निकालना है और एक्स वाई का मान दिया है 12, ठीक है। अब पी क्यू को निकालिए, पी क्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कालीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, इसे 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको टुकड़ों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है टुकड़ों की संख्या, ठीक है। क्या करेंगे इसमें पूछ रहे हैं, टुकड़े बनाए जा सकते हैं यानी टुकड़ों की संख्या निकालना है, ठीक है। कितना दिया है 20.5/2 दिया है, ठीक है, उसके बाद कितना एक और दिया है 4.1/2, इसे सॉल्व करेंगे आप तो 45/2, इसको करेंगे तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9/2, ठीक है। इसको आप पलट देंगे आप तो 45/2 × 2/9, 9×5=45, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा 5 आएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 रुपया हो जाता है और 2 वर्षों के बाद 9,680 रुपया हो जाती है, तो ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर इसमें पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन समझने का प्रयत्न कीजिए, देखिए प्रश्न को देखिए और अच्छा से पढ़िए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना हो रहा है आपका 9,680 रुपया हो रहा है और 3 वर्षों के बाद कितना हो रहा है 10,648, ठीक है। तो दर परसेंट आपको निकालेंगे इसमें, ठीक है, दर कितना वही पूछ रहा है ना, तो आप दर परसेंट निकालेंगे तो 96 इतना हो जाएगा, ठीक है, 9,68/ आपका हो जाएगा, पहले इसको शॉर्ट डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टोटल कितना दिया है 10,648, इसमें से घटा लीजिए 9,680 को, ठीक है, घटाइए
घटाएंगे अब तो कितना आएगा, 968 आएगा, ठीक है 968। अब 968 बट्टा हमारा कितना दिया है, दो वर्षों के बाद मिश्रधन, तो ये 86 आ रहा है, ठीक है, गुना में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे कट गया, यानी कितना आ रहा है 10%, ठीक है, कितना आया 10%, ठीक है। तो देखिए 10% दिया है ऑप्शन में, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, ठीक है, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे आप, एक तरफ बॉय बनाइए और एक तरफ गर्ल बनाइए, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी है 500, गर्ल की संख्या कितनी है 600, ठीक है। लड़कों का कितना परसेंट है छात्रवृत्ति जो पाते हैं, 20%, ठीक है, और गर्ल कितनी पाती है 25%, ठीक है, इसे हम रेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और इसमें अभी एक और इसमें लिख लीजिए, ठीक है। बिना छात्रवृत्ति वाले कितने हो जाएंगे, इस 20 में से घटा लीजिए, 80% बचेंगे, कितना 80%, इसमें कितना बचेंगे 75%, ठीक है, इतना हो गया। अब हम कुल संख्या निकालते हैं, ठीक है, देखिए कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 × 80% होगा, ठीक है, प्लस 600 × 75%, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे आपका तो कितना आएगा 850, ठीक है, टोटल आ गया ये, ठीक है, कुल संख्या 850, और परसेंट निकालिए आप 850, ठीक है 850 आया है, ठीक है, और पहले से कितना था आपका, तो पहले से टोटल संख्या इसमें नहीं दिया है, ठीक है, टोटल हम निकाले हैं 850 आ गए, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, हम अब निकालेंगे इसमें क्या पूछा, छात्रवृत्ति नहीं मिले कितने छात्रों को, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, 850 बटा टोटल संख्या आप क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल का जोड़ लीजिए, ठीक है, बॉयज और गर्ल का जोड़ लेंगे, ठीक है, बॉयज और गर्ल का आप जोड़ेंगे तो 6511100 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 100। अब इसको काटिए, काटेंगे आप तो आपका आएगा राइट आंसर 850/11%, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 1360 रुपये मूल पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल पर बेचनी चाहिए। देखिए इसमें डायरेक्ट क्रय मूल पूछ रहा है, ठीक है, तो आप क्रय मूल जानते हैं निकालने का ट्रिक क्या होता है, क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुने 100 बटा 100 माइनस हानि। आप अपने नोटबुक पर इसे सॉल्व करेंगे और नोट्स बनाएंगे, जो इतना प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर पुट कर देंगे आप वैल्यू, ठीक है, विक्रय मूल्य आप पुट कर दीजिएगा 1360 है, ठीक है, हानि 100 में से घटाइएगा हानि तो 85% बचेगा, राइट आंसर कितना आ जाएगा 1600, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है, उसके दादा और दादी का आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है, बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको इसका ऊपर वाला जो राइट आंसर होगा, एक बार उसमें मैंने सिर्फ क्या निकाला था, वो क्रय मूल्य निकाला था, उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य मैंने छोड़ दिया, आप एक बार देख लीजिए, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। उसमें किस बेचनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपका ये सिर्फ क्रय मूल्य आया 1600, तो क्रय मूल्य आया, तो राइट आंसर सी नहीं होगा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है आपको कितने परसेंट, 10% लाभ पर, ठीक है, तो 1600 का 110, ठीक है, 110 अब बटा 100 पर निकालिए। अब इसको निकालेंगे आप, गुना कीजिए तो 1760 आंसर आएगा, ठीक है, 1760, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, देखिए 68 नंबर में इसे क्या करेंगे, 9 बच्चों की कुल आयु हम देख लेंगे, माध्य पूछ रहा है तो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 9 बच्चों की कुल आयु, ठीक है, तो 9 × 14 गुना कीजिए 126 वर्ष हो गया, ठीक है। दादा दादी सहित परिवार का कुल माध्य निकालिए, तो देखिए हमारा कुल तो आ गया 126, ठीक है, और उसमें दादा दादी का कितना दिया है, 71 और 67 दिया है,
ठीक ऐसे। और यहाँ पर पूछ रहे हैं 9 बच्चों की आयु, दादा दादी, ठीक है, तो 9 बच्चे हैं प्लस दादा दादी को मिलाकर 2 हुआ, यानी 9 प्लस 2, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 24 वर्ष, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर 1074 आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। ये देखिए 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतर जाते हैं और 19 यात्री फिर नए चढ़ते हैं। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची, ठीक है। देखिए कुल रेल यात्री कितना है इसमें, 450, ठीक है, कितना है आपका कुल रेल यात्री, 450, ठीक है। तो पहले स्टॉप पर यात्रियों की संख्या, इसे सॉल्व करेंगे कैसे, हिंट दे देते हैं, 450 माइनस 450, ठीक है, गुने 1/9 + 20, ठीक है। इसे सरलीकरण में मैंने सेट कर दिया, बराबर किसके हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 420, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दूसरे ये पहले स्टॉप का निकाला मैंने, 420 किसका है, पहले स्टॉप का। अब दूसरे स्टॉप की यात्रियों की संख्या निकालिए, 420 माइनस 420 गुने 1/6 + 19, ठीक है। अभी से आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 369, ठीक है, राइट आंसर 369 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले जो अनुपात में कोई भी चीज़ दिया रहता है उसे हम x लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो आप पहली संख्या 3x मान लीजिए और दूसरी संख्या 2x मान लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न से चलेंगे तो 3x माइनस 8/2x माइनस 6, क्योंकि देखिए मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि पूछ रहा है पहली संख्या में 8 घटाना है, तो पहली संख्या 3x मैंने लिखा, इसमें से 8 घटा लिया, दूसरी संख्या में 6, दूसरी संख्या कितनी है 2x है, उसमें से कितना घटाना है 6, हो गया सिंपल एज इट इज। कितना अनुपात प्राप्त होता है, 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की से कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा किया गया समय ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बस की चाल आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। इस पर पुट कीजिए आप, चाल कितना है 5/20 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है, तो हो जाएगा 5/20 यानी 60। एक किलोमीटर घंटा में है तो मैंने इसे क्या कर दिया, मिनट में है तो घंटा में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे प्लॉट दीजिए, काम कीजिए, 5 × 60/20 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 20 = 4, आई हो जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 15 × 60, ठीक है, 15 आया, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल निकालेंगे आप तो 15 में से 3 घटा लीजिए तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है, ये नई चाल आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, समय, ठीक है, समय निकालिए, समय हो जाएगा आपको 5/12 × 60, ठीक है, मिनट में मैंने चेंज कर लिया इसे तो 12 × 5 = 60, 25, कितना आ गया 25 मिनट, ठीक है। तो राइट आंसर 25 दिया है क्या, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है, वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आर्यन और विपिन को तुलना करना है, ये हो गया आर्यन और ये विपिन हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच देखिए समय का कितना डिफरेंस है, एगो का 2 है और एगो का 1 है, ठीक है। कार्य क्षमता 1:2, ठीक है, कार्य क्षमता कितना हो रहा है, 1:2 यानी 3 का हो रहा है, ठीक है। तो
इसमें क्या करना है, देखिए 3 इकाई इसमें क्या करें, 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 दिन का कार्य लेकर चलेंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 × 3 दोगुना करता है, ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 3, ठीक है, ये हो गया हिंट। अब ठीक है, हिंट दे दिया मैंने, अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इस आंसर ही बता देते हैं, अब इतना हो गया तो ठीक है, राइट आंसर इसका आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर 1 घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, इसमें दिया है घनाभ का लंबाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 घन है तो जाहिर सी बात है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे, दोनों घनों की लंबाई, घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आपको पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + LH + BH, ठीक है, BH होता है, ठीक है। अब इसे पुट कर दीजिए वैल्यू, इस पर वैल्यू आपको पुट कर देना है, ठीक है, चलिए वो भी हम पुट कर देते हैं, देखिए 2 × 20 × 10, ठीक है, बैठा तो दिया आपको, सिर्फ पुट करना, आंसर बता देते हैं 1000 सेंटीमीटर² आएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक्स बराबर √5 + 1/√5 - 1 और वाई बराबर रूट इतना दिया है, तो x² + y² - 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, देखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स का मान लेकर चलेंगे, ठीक है, एक्स का मान निकालिए आप, रूट जितना दिया है उतना उससे गुना करते हैं, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है, आप 9th में पढ़े होंगे तब आपको याद होगा, रूट इतना दिया है प्रश्न से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे माइनस में दिया है तो मैं प्लस लेकर चलूँगा, ठीक है, √5 + 1, ठीक है, ये इतना हम ये मैंने लिया, ठीक है, निगेटिव में दिया है पॉजिटिव लेकर चलते हैं, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6 √2 5/4 आएगा, ठीक है, इतना आएगा, तो आप इसको हम और आसान तरीके में लिख सकते हैं, 3 + √5/2 हो जाएगा, ठीक है, x का मान आया है, ठीक है, किसका, x का मान। अब y का मान निकालना है, ठीक है, आप y का मान निकालेंगे तो देखिए नीचे प्लस में है तो ठीक उसी तरह माइनस में लेकर चलेंगे, तो आपका 3 − √5/2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये y का मान आ गया, अब x² + y² - 4, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें जो अभी निकला है, आपका आंसर आएगा 3, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हमारा मैथ खत्म हो गया, ठीक है, अब हम हिंदी देखेंगे, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी में आपको पता है कि 35 प्रश्न पूछे जाते हैं पियोन में, ठीक है, और क्लर्क में, स्टेनो में, सब में पूछे जाते हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो पियोन का प्रैक्टिस सेट है वो सिर्फ पियोन में ही काम आएगा, क्लर्क में भी आएगा, स्टेनो में भी आएगा और कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदी हम देखते हैं, हिंदी कैसे, देखिए हिंदी मैं अलग से इसका पोर्शन करवाया था 200 300 400 क्वेश्चन का, ठीक है, 200-300 मैंने क्वेश्चन करवा दिया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, तो आप उसे देख लेंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पेशल हिंदी का क्लास, ठीक है। चलिए बनाइए, पहला क्वेश्चन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, देखिए सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी उदयाचल। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, ठीक है, सरस्वती है, ठीक है, सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी शब्द शारदा होता है, वागीश होता है, महेश्वरता होता है, ठीक है, शारदा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए, ठीक है, जिसका दमन करना कठिन है उसे क्या कहते हैं, जिसका दमन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए दुर्दमय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन जिसका दमन किया जा सकता है, जिसका दमन करना कठिन है
तो ये तो उसका मैंने बता ही दिया। जिसका देखिए, जिसका नहीं किया जा सकता उसका अलग होगा, ठीक है। लेकिन जिसका दमन नहीं किया जा सकता है, जिसका दमन करना कठिन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्दमय, राइट आंसर सी हो जाएगा। जिसे सरलता से न जाना सके उसके लिए दुर्बोध का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। देखना या दिखने वाले लायक, ठीक है, दृष्टव्य होता है, ठीक है, दृष्ट है ये। लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सी होगा। साधारण का विलोम शब्द होगा। देखिए, साधारण का विलोम शब्द की बात करें, साधारण के विलोम शब्द का, तो साधारण का विलोम विशिष्ट अथवा असाधारण होता है, असाधारण, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए, ठीक है। देखिए, जो स्त्री विद्वान होती है उसके लिए विदुषी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? विदुषी शब्द का। राइट आंसर बी हो जाएगा। भींगी बिली बनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, भींगी बिली बनना मुहावरे का अर्थ होता है सहम जाना, जैसे दुश्मन उसके समान भींगी बिली बन जाता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, सहम जाना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषण का अर्थ होता है पोषण प्रदान करने वाला या पालक, ठीक है। इसका विलोम पोषक अगर बात करें, ठीक है, तो इसका शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोषक, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, आदान, ठीक है। क्या है? आदान। आदान मीन्स क्या होता है? ग्रहण करना या लेना, ठीक है। इसका विलोम अगर बात करें तो प्रदान हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसे लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इसके जैसा हमें, जैसे किरण है तो इसके समान जैसा कौन अर्थ होगा, ठीक है। देखिए, किरण शब्द का इसके जैसे अगर अर्थ बात करें तो रश्मि होता है, रश्मि, ठीक है। प्रभा भी होता है, मयूरन भी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, रश्मि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाक प्लस मय का संधि पद क्या होगा? ठीक है, वाक प्लस मय का संधि पद क्या होगा? देखिए, वाक प्लस मय का संधि की बात करें तो वाड़मय होगा, ठीक है। संधि विच्छेद में हम संधि करते हैं अलग, लेकिन उसका मीनिंग होता है अलग, ठीक है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। दो निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाड़मय, ठीक है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द निरस्त्रीकरण होगा, निरस्त्रीकरण, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अक्ल के घोरे दौराना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल के घोरे दौराना, मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, अक्ल के घोरे दौराना यानी इसका मुहावरा हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना, जो घर में बैठे रहता है और सोचता रहता है कि काश मैं करोड़पति बन जाता, करता कुछ नहीं है, ठीक है, तरह तरह की सोच रखता है, ठीक है, उसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर केवल कल्पनाएं करते रहना, ठीक है। देखिए, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, अक्ल के तोते उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अक्ल के तोते उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसी में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तार तार करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तार तार करना मुहावरे का अर्थ है धजिया उड़ाना, ठीक है, धजिया उड़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो छीण हो सके उसके लिए उपयोग शब्द क्या है? देखिए, जो छीण ना हो सके उसके लिए क्या शब्द होगा? उसके लिए मतलब जो खत्म ना हो सके तो उसके लिए अक्षय होता है, ठीक है। राइट आंसर अक्षय होगा, ठीक है। और इस देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसे अजन्मा कहते हैं, ठीक है। आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, मुहावरा है, मुहावरा कहीं से भी पूछ सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें से किस में री की सबसे ज़्यादा मात्रा का उपयोग हुआ है? चलिए बताइए, री की मात्रा के उपयोग की बात करें तो वृष्टि है, ये में सबसे ज़्यादा हुआ है, देखने से ही पता चल रहा है। अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का विलोम शब्द क्या है? देखिए, अल्प का विलोम शब्द होता है अति, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी, अति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्श पर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझना। क्या होता है? अपने को, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ठीक है। अर्श पर फर्श ऐसे बोला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति किससे संबंधित कवि है? देखिए, विद्यापति मैथिली भाषा से संबंधित कवि थी, ठीक है। विद्यापति को मैथिली कवि
का कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, विद्यापति श्रृंगार भक्ति पर की एक कवि थी। उन्होंने विद्यापति की बात करें तो उनके द्वारा अहट भाषा में कृतिलता और कृति पतका पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सब आप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दम संवारे कम, इस लोकगीत का अर्थ क्या है, दम संवारे कम। देखिए, दम संवारे कम इसका मतलब है पैसा सब काम करता है, पैसा सब पैसा से कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 हुआ, अभी और 15 क्वेश्चन हिंदी को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जाएंगे नहीं, पूरा वीडियो देखकर जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। ठीक है, विकल्प में केवल आराधना की वर्तनी जो है वो सही है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, वृद्ध है। ठीक है, वृद्ध, तो देखिए वृद्ध मीन्स क्या होता है, बूढ़ा। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, वृद्ध का बालक होगा। ठीक है, किशोर नहीं होगा। ठीक है, किशोर आप बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं लगाना है, गलत कर बैठेंगे। ठीक है, विद्वान का पर्यायवाची क्या है, विद्वान का पर्यायवाची, देखिए विद्वान को हम लोग मनीषी बोलते हैं, विज्ञ बोलते हैं, जानकार भी बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मनीषी। ठीक है, मनीषी हो जाएगा। माथा ठनकना, ठीक है, क्या है माथा ठनकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, देखिए माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है जैसे कि दिमाग का गर्म हो जाना। ठीक है, गुस्सा होना। ठीक है, मतलब बहुत ही माथा ठनकना कि ज़्यादा मत मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, ऐसे कोई बात बोल देता है उसी, जैसे उसने सही बातों को जैसे ही घुमाकर पेश किया मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो इसका राइट आंसर देखिए गुस्सा होना, संशय होना, इसका राइट आंसर गुस्सा होना नहीं, संशय होना, गुस्सा होना सिंपल भाषा में आएगा, लेकिन राइट आंसर इसका जो होगा वो सी हो जाएगा, संशय होना। ठीक है, बहुत ही आवश्यकता से ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, गर्दन पर सवार होना, देखिए गर्दन पर सवार होना यानी इसका मतलब हो जाता है कि पीछा न छोड़ना किसी का, कि मैंने एक कोई बोलता है ना कि मेरे गर्दन पर तू सवार हो गया है। ठीक है ना, कि तू जब तक बचना है बच कर रहो, जब ऐसे बोला जाता है तो इसका मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो गर्दन पर सवार होना यानी पीछा ना छोड़ना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाना, बी होगा। ठीक है, जान से मारा नहीं होगा, बोल कर भी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, विवाद का विलोम शब्द होगा, विवाद का विलोम शब्द क्या होगा, तो विवाद का विलोम शब्द होगा निर्विवाद। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, तारो भारी रात, तारो भरी रात, तारो भरी रात। ठीक है, देखिए तारो भरी रात को बात करें विभुआरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, विभुआरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तारो भरी रात। ठीक है, तारो भरी रात का राइट आंसर आपका हो जाएगा विभुआरी। ठीक है, डी राइट आंसर। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, देखिए तो इसमें उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने, जागृति है। ठीक है, जागृति का मतलब होता है जागते रहना। ठीक है, जागते रहना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुषुप्ति हो जाएगा। ठीक है, सुषुप्ति राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ करता है, जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटने का मतलब है लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, इसका ऊपर और कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, दिए गए शब्द के समान शब्द चुनना है उसके जैसा। ठीक है, आँख है, तो इसके जैसा कौन सा समान शब्द होगा, तो आँख को देखिए, आँख को हम क्या बोलते हैं, दृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृग बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दृग। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, सिंपल है, राइट आंसर बी हो जाएगा, भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, सिंपल है, राइट आंसर बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। ठीक है, अनाहूत। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा, अंगीकार का विलोम शब्द होता है अपनाना या स्वीकार करना। ठीक है, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका विलोम पूछ रहा है ना, तो हमें बहिष्कार करना होगा ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है 15 नंबर में। ठीक है, देखिए तो यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, डी वाला सही लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था फ्रेंड हमारा आज का पियोन का यानी चपरासी का 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। और मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8वें के साथ, ठीक है। और 8 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है मैं उसे PDF टेलीग्राम चैनल पर पहले ही भेज देता हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल स्टैंड BPSC सर्च मारेंगे, स्टैंड BPSC यूट्यूब होगा, ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस पर ज्वाइन कर लेंगे और सारा PDF हम ले लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ख्याल रखें और पढ़ाई करें।